ब्रॉट यू बाय मेघदूत सत्रीठा। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज यानी 29 जुलाई को अपनी नेशनल टीम में फेरबदल किया। जेपी नड्डा की नई टीम में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले कई नेताओं को जगह मिली है। नेशनल टीम में फेरबदल करते हुए उत्तर प्रदेश के पसमंदा मुसलमान तारिक मंसूर और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो और भैया राधा मोहन अग्रवाल जिनकी सीट से आज सीएम योगी मुख्यमंत्री बने उन्हें भी नेशनल टीम में जगह दी गई। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इस टीम में शामिल हुए और जो कि उत्तर प्रदेश हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से श्रीमती रेखा वर्मा है जो कि सांसद हैं और साथ ही साथ जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके अलावा तारिक मंसूर भी जो है विधान परिषद सदस्य जो कि हैं वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री की लिस्ट में दो नेता हैं उत्तर प्रदेश से, अरुण सिंह और राधा मोहन अग्रवाल। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश हैं जो कि लखनऊ से आते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव की बात करें तो राष्ट्रीय सचिव की लिस्ट में सुरेंद्र सिंह नागर ये जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। बात करें कोषा अध्यक्ष की तो कोषा अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश अग्रवाल। आपको बता दें कि तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके थे, वो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं यानी एमएलसी हैं। उन्हें नई टीम में शामिल करने के फैसले को पसमंदा मुसलमानों के लिए पार्टी की पहल का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि सांसद अरुण सिंह और राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, वहीं शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया गया। बता दें कि सांसद सुरेंद्र सिंह नागर राष्ट्रीय सचिव और राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष बनाए गए। गौरतलब है कि गोरखपुर से विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल से पार्टी ने विधायक रहते हुए उनकी सीट यानी गोरखपुर सदर सीट खाली करवाकर योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाया था। उसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा सांसद बनाया गया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद में भी जो है जिम्मेदारी दी गई, अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया है। नई सूची में ज्यादातर पदाधिकारियों को उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। सूची में 13 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और 13 सचिव शामिल हैं। तो बाकी इस पर आपका क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।